Hello Bacho, let us see the question. The question says that if A is less than B, less than C, less than D, then the roots of the equation x minus A times X minus C plus 2 times X minus B times X minus D equals 0 are real and distinct. So here the key concept used in this question is use of. डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड द सोल्यूशंस वेदर दे आर रियल और इमेजनरी तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस इक्वेशन के अगर डिस्क्रिमिनेट जो है वो पॉजिटिव आती ग्रेटर देन जीरो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसको ओपन करते सबसे पहले हमें यह दे रखा है एक्स स्क्वे माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी देन प्लस टू टाइम्स एक्स स्क् माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स सॉरी प्लस बी डी इक्वल्स जीरो तो इसको हम कंबाइन करते है. ये कंबाइन होकर क्या मिलेगा एक्स स्क्वाइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी प्लस टू एक्स स्क्वाइनस टू बी एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस टू बी डी इक्वल जीरोक्वेशन कुछ इस तरीके की नजर आएगी एक्स स्क्वेर माइनस एक्स वाले टर्म्स हम लोग कंबाइन कर लेते तो वो बनेगा इन ब्रैकेट ए प्लस सी प्लस टू बी प्लस टू डी एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो मिलेगा ए सी प्लस टू बी डी जीरो हमारे पास इक्वेशन बन गई डिस्क्रिमिनेंट तो जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का माइनस फोर एसी इक्वेशन ऑफ़ फॉर्म तो अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास बी कोएफिशिएंट जो है माइनस टाइम्स ए प्लस सी प्लस टू बी प्लस टू डी इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ये यहां पर थ्री आएगा एक्सर सो फोर टाइम्स थ्री टाइम्स ए सी प्लस टू बी डी तो यहां जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा इक्वल्स थोड़ा सा शफल कर लेते तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा ए प्लस टू डी हम अलग से कंबाइन कर लेते हैं और फिर सी के साथ कंबाइन कर लेते हैं हम लोग टू बी को इसका है होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे देखिए हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी के स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस फोर ए बी तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ये बनेगा ऐसा यहां पर प्लस की जगह हम लोग ले लेंगे माइनस सी प्लस टू बी का होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस फोर टाइम्स ए प्लस टू डी एंड देन सी प्लस टू बी और ये हो गया माइनस ट्वेल्व टाइम्स ए सी प्लस टू बी डी तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे ए प्लस टू डी माइनस सी प्लस टू बी इसका होल स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा फोर टाइम्स ए सी देन एट ए बी

और ये हमारे पास यहां पे सिंप्लीफाई होकर मिलेगा प्लस एट ए बी दे वाला टर्म तो यहां पर नहीं है ए सी है फोर ए सी माइनस ट्वेल्व ए सी सो ये हो जाएगा फोर माइनस ट्वेल्व माइनस एट एसी प्लस एट सी डी सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर सो माइनस एट बी डी अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा ए प्लस टू डी माइनस सी प्लस टू बी इसका होल स्क्वायर एट हम लोग ले लेंगे कॉमन तो ये हमारे पास बनेगा ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी आएगा ए बी माइनस ए सी प्लस सी माइनस बी तो ये कंबाइन होके हमें इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते प्लस टू बी का होल स्क्वायर और एट टाइम्स इसको हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं पहले में तो ये बी माइनस ही बनेगा और यहां से हम लोग माइनस डी कॉमन लेंगे ताकि हमें सेकंड ब्रैकेट भी बी माइनस सी मिले तो ये बन गया हमारे पास ए प्लस टू डी माइनस सी प्लस टू बी इसका होल स्क्वायर प्लस एट टाइम्स ए माइनस डी एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा बी माइनस सी अगेन सवाल में हमें क्या दिया गया था एक कंडीशन दी गई थी तो उसका हम यूज करेंगे सिंस ए इज लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी इसका ये मतलब है कि डी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी है यानी कि ए की वैल्यू डी से छोटी है ए माइनस डी क्या हो जाएगा नेगेटिव सो ए माइनस डी ये भी नेगेटिव बन जाएगा और बी माइनस सी क्योंकि बी सी से छोटा है तो बी माइनस सी की वैल्यू भी क्या बनेगी नेगेटिव तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव क्या मिला पॉजिटिव और ये होल स्क्वायर वाला जो टर्म है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमें मिल गया वो मिल गया है ग्रेटर देन जीरो सो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट और यही हमें सवाल में प्रूफ भी करना था सो हेंस द गिवन इक्वेशन हैज Real and distinct roots. Hope you have understood it well. Best of luck.